हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्केमिस्ट बुक की समरी। तो शुरू करते हैं। यह अंडलुसियन के रहने वाले सेंटियागो नाम के गडरिये की कहानी है। सेंटियागो की फैमिली चाहती थी कि वह एक प्रिस्ट बने, लेकिन उसे ट्रैवल करने का बड़ा शौक था। इसीलिए वह एक शेफर्ड बन गया ताकि वह अपनी शिप्स के साथ हमेशा घूमता रहे। एक बार वह भेड़े चराते हुए अपनी भेड़ों का ऊन बेचने के लिए एक व्यापारी के पास पहुंचा, जहां उसका एक काले बालों वाली सुंदर लड़की से उसकी मुलाकात हुई, जो कि उस व्यापारी की बेटी थी। सैंटियागो को वह लड़की बहुत अच्छी लगती थी और हर बार की तरह इस साल भी वह उस लड़की से मिलने की उम्मीद में उसी जगह पर वापस जाने की सोच रहा था। सेंटियागो कहता था कि मैं हमें लाइफ में किसी भी चेंज के लिए रेडी रहना चाहिए। उसे एक ही सपने दो बार आया, जब रात में वह एक चर्च के एक टूटे हुए कमरे में सो रहा था, जहां पर एक बड़ा सा साइकोमोर का पेड़ था। फिर वह एक लेडी से मिलने तरीफा नाम के शहर में गया, जो सपने का मतलब बताती थी। तो उस औरत ने उस लड़के के सपने का मतलब बताया कि उसे इजिप्ट के पिरामिड जाना चाहिए, जहां उसे एक खजाना मिलेगा। और जब वह उस खजाने को ढूंढ ले तो उसका 10वां हिस्सा फीस के तौर पर वह उसे दे दे। लेकिन उस लड़के ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और शहर में घूमने लगा। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। पहले तो सेंटियागो को उससे बात करने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस बूढ़े आदमी के ज्ञान से वह बड़ा प्रभावित हुआ और वे दोनों बातें करने लगे। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वह सलेम का राजा है। उसने सेंटियागो को यह भी बताया कि वह अक्सर लोगों को उन डेस्टिनी तक पहुंचने में किसी ना किसी तरह से हेल्प करता है, क्योंकि सेंटियागो अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने से पहले ही हार मान रहा था। इसीलिए वह उसे सही रास्ता दिखाने के लिए वहां पर आया था। उस बूढ़े आदमी ने उससे कहा कि लाइफ में हमेशा हमें कुछ ना कुछ साइन देती है ताकि हम सही रास्ते पर चल सके। फिर उसने सेंटियागो से कहा कि उसे खजाने के बारे में और जानकारी चाहिए, तो उसके लिए फीस के तौर पर अपनी शिप्स का 10वां हिस्सा देना होगा। अगले दिन सेंटियागो फिक्स टाइम पर उस बूढ़े के आदमी से मिलने पहुंचा, जिसने उसे 2 स्टोन्स दिए और कहा कि अगर अपनी मंजिल की तलाश में उसे कभी भी कोई कंफ्यूजन हो, तो इन दोनों स्टोन्स की हेल्प से वह अपना डिसीजन ले सकता है। और फिर उसी दिन वह लड़का अफ्रीका के टेंजियर नाम की जगह पहुंचा। वहां पर वह एक बार में बैठा था कि एक आदमी उसके पास आया। उस आदमी ने स्पेनिश में उससे पूछा कि वह इस नई जगह में क्या करने आया है। सेंटियागो ने उसे कहा कि उसे पिरामिड्स तक जाना है, और अगर वह आदमी गाइड बनाकर उसे वहां तक ले जाए तो वह उसे पैसे देगा। वह आदमी सेंटियागो से पैसे लेकर बिजी मार्केट में कहीं गायब हो गया और सेंटियागो देखता रह गया। वह बड़ा उदास हुआ। फिर अचानक उसे वह 2 स्टोन्स याद आए। जब उसने वह स्टोन्स अपनी पॉकेट से निकाले तो उसे उस ओल्ड मैन की बात याद आ गई। उस ओल्ड मैन ने कहा था, अगर तुम किसी चीज़ को दिल से चाहो तो ये सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में मदद करती है। अपना पैसा खोने के बावजूद सेंटियागो ने हार नहीं मानी और अपने पास्ट एक्सपीरियंस से किसी तरह उस अजनबी शहर में सरवाइव कर लिया। अब उसका सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस और भी स्ट्रॉन्ग हो गया था। फिर उसे एक क्रिस्टल व्यापारी मिला। सेंटियागो ने उस क्रिस्टल व्यापारी से कहा कि अगर वह उसे खाना खिला दे तो बदले में वह उसका कुछ काम कर सकता है। इस क्रिस्टल व्यापारी ने उसे लंच कराया और फिर उससे अपनी शॉप में रखी गिलास की चीज़ें साफ करने को कहा। जब वह गिलास साफ कर रहा था तो उसी टाइम शॉप के 2 कस्टमर्स ने आकर कुछ सामान खरीदा। अब वह क्रिस्टल व्यापारी भी ओमेन में बिलीव करता था, और तो उसने सेंटियागो को हमेशा के लिए काम पर रख लिया। लेकिन सेंटियागो को वहाँ काम नहीं करना था, उसे तो पिरामिड जाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। उसकी बात सुनकर वह व्यापारी हंसा और उसने बताया कि पिरामिड वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है और वहाँ तक जाने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। ये सुनकर सेंटियागो का इरादा बदलने लगा। उसने सोचा क्यों ना काम करके इतना पैसा कमाया जाए कि वह वापस अपने गांव जाकर सीप्स खरीदे
और सैफर्ड का काम शुरू कर दे। सैंडियागो ने क्रिस्टल्स के लिए एक नया कैबिनेट बनवाया ताकि वह जल्द से जल्द ढेर सारा पैसा कमा सके और वापस अपने टाउन जाकर सैफर्ड का काम शुरू कर सके। फिर उसे एक और आइडिया आया, क्यों ना क्रिस्टल के गिलासों में चाय बेची जाए जिससे ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो। और इस डिसीजन से एक बड़ा चेंज आया क्योंकि क्रिस्टल गिलास में चाय बेचने से ये शॉप बड़ी फेमस हो गई थी और इसे एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस मिली। जब सैंटियागो के पास काफ़ी पैसा जमा हो गया तो उसने अपने घर वापस जाने का डिसीज़न लिया, लेकिन जाने से पहले वह शॉपकीपर से ब्लेसिंग्स लेना चाहता था। शॉपकीपर ने उसे ब्लेसिंग्स दी और साथ ही ये प्रेडिक्ट भी किया कि सैंटियागो वापस स्पेन नहीं जा पाएगा। उसे अचानक ख्याल आया कि वह जब चाहे अपने देश जाकर सैफर्ड बन सकता है, लेकिन पिरामिड जाने का मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। किंग के दिए उन दो स्टोन्स को देखकर उसे ये ख्याल आया था। वह अपने डिसीजन पर गौर करने लगा। अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया और पिरामिड जाने के लिए निकल पड़ा। वो एक वेयर हाउस पहुँचा जहाँ उसे एक इंग्लिशमैन मिला जो काफ़ी बातों में सैंटियागो की तरह था। फिर वे दोनों इजिप्ट जाने वाले एक कारवा के साथ साथ चलने लगे जिसका किरदार एक दाढ़ी वाला आदमी था। जर्नी के दौरान सैंटियागो की अपने ऊँट चलाने वाले से दोस्ती हो गई और दोनों अपनी अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे को बताने लगे। दोनों को एक फिलोसफिकल ट्रुथ का एहसास हुआ। उन्हें फील हुआ कि जैसे डेस्टिनी ने हर चीज़ पहले से प्लान कर रखी है, क्योंकि लाइफ में हर एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। जर्नी के बीच बीच में उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ट्राइबल्स के बीच में वॉर होने वाली है, जिसे सुनकर सारे लोग डरे हुए थे, लेकिन वापस लौटना अब पॉसिबल नहीं था। और जब वापस जाना मुमकिन ना हो तो आगे बढ़ते रहना ही एक पॉसिबल रास्ता होता है। अब उनका कारवा तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा था और वे लोग ट्राइबल वॉर से बचने के लिए रात दिन बिना रुके चलते जा रहे थे और फाइनली उनका कारवा ट्राइबल वॉर से बचता बचाता किसी तरह ओएसिस तक पहुंच ही गया। फिर वह अल्केमिस्ट अपने ओमेन के सजेशन पर बड़ी बेसब्री से एक आदमी का इंतज़ार करने लगा जो उसे कुछ सीक्रेट्स बताने वाला था। अपने हथियार उतारने के बाद कारवा के लोगों को ओएसिस में ठहरने के लिए जगह मिली और फिर नेक्स्ट डे वह इंग्लिशमैन उस लड़के के साथ अल्केमिस्ट की तलाश में निकल पड़ा। वे एक कुएं के पास पहुंचे और वहां कुछ देर बाद उन्हें एक अनमैरिड औरत कुएं की तरफ आती दिखी। वह इतनी खूबसूरत थी कि सैंटियागो उसे देखता ही रह गया। सैंटियागो के पूछने पर उस लड़की ने अपना नाम फतिमा बताया। अब हर रोज़ वह उसे कुएं पर 15 मिनट के लिए मिलने जाता था जो कि उसकी लाइफ बन चुकी थी। और अब वह लड़की भी सैंटियागो को उतना ही चाहती थी। दोनों अब बहुत क्लोज आ चुके थे। सैंटियागो ने उसे अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बता दिया था, खजाने के बारे में भी। फतिमा ने उसे कहा कि वह खजाने की तलाश न छोड़े। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह इसी ओएसिस में रहकर अपने सवालों के जवाब ढूंढ या फिर डेजर्ट का रास्ता पकड़े। लेकिन फिर से एक बार वह इस खजाने की तलाश में निकल पड़ा। इस टाइम तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था, तभी उसे एक और ओमेन दिखा। दो बाज उसके ऊपर से उड़ रहे थे, तभी एक ने दूसरे पर अटैक किया जिसकी वजह से उस ओमेन का इंटरप्रेशन ये था कि ओएसिस पर अटैक होगा। सैंटियागो ने यह बात जाकर चीफ को बताई। चीफ ने अपने साथियों से कंसल्ट किया कि इस खबर की सच्चाई टेस्ट करने की सोची। सैंटियागो को बोला गया कि नेक्स्ट डे सब लोग वॉर के लिए रेडी रहेंगे। अगर इसकी अटैक वाली बात सच हुई तो सैंटियागो को रिवॉर्ड दिया जाएगा, और अगर बात झूठ निकली तो बदले में सैंटियागो को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और नेक्स्ट डे उन पर सचमुच अटैक हुआ। लेकिन ओएसिस में रहने वाले भी पूरी तरह रेडी थे और सिर्फ आधे घंटे में ही उनके लीडर को छोड़कर सारे अटैकर्स मारे गए। सैंटियागो को इनाम के में 50 गोल्ड कॉइन्स मिले और साथ ही उसे ट्राइब का काउंसिलर भी बना की भी बात हुई। लड़ाई अब ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए सैंटियागो अल्केमिस्ट से मिलने गया जिसने उसे अपने टेंट में डिनर के लिए इनवाइट किया था। उसने सैंटियागो के खजाने की तलाश में पिरामिड जाने के लिए कहा, लेकिन जब सैंटियागो ने कहा कि उसे खजाने के तौर पर
फतिमा मिल गई है तो अल्केमिस्ट ने उसकी बात काटी। उसने सैंटियागो से कहा कि उसे फतिमा पिरामिड से नहीं मिली, इसलिए वह खजाना नहीं हो सकती। सैंटियागो ने फिर एक बार मन बनाया कि वह अपनी डेस्टिनी फॉलो करेगा और यही बात उसने अल्केमिस्ट को भी बताई और नेक्स्ट डे वे दोनों सूरज उगने से पहले अपनी जर्नी पर निकल पड़े। वे डेजर्ट में घूमते रहे। फतिमा की जुदाई में सैंटियागो का दिल भारी हो रहा था। अल्केमिस्ट ने उससे कहा कि वह पूरी पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़े, अगर फातिमा का प्यार उसके नसीब में लिखा होगा तो उसे ज़रूर मिलेगा। लड़का उस डेजर्ट में अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहा था और इसका हर मोमेंट इसके लिए मायने रखता था। अब तक अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से उसकी काफ़ी कुछ सीख लिया था और वह आज जो कुछ भी था, जहाँ पर भी था, अपनी लर्निंग की वजह से ही था। यह सब लाइफ की एक बड़ी प्लानिंग का पार्ट था। ये प्लानिंग अनदेखे हाथों ने लिखी थी और सबकी लाइफ की प्लानिंग लिखते हैं। हार्ट ने यह सीखा कि सफरिंग और फेलियर का डर एक्चुअल सफरिंग और फेलियर से बड़ा होता है। यह सब जानकर अब सैंटियागो का मन शांत था। यह सब उसने अल्केमिस्ट से शेयर किया तो उसने कहा कि अब वह अपनी डेस्टिनी के लिए पूरी तरह प्रिपेयर है। उन्हें एक ट्राइब ने घेर लिया था। वे लोग उन्हें अपने चीफ के पास ले गए और पूछताछ शुरू कर दी। जान बचाने के लिए अल्केमिस्ट ने सैंटियागो का सारा गोल्ड उन लोगों को दे दिया और साथ ही ये भी कहा कि उस लड़के ने ऐसी पावर है कि वह उन्हें हवा बन के दिखा देगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह लोग उन्हें 3 दिन में मार सकते हैं। अब ये बात सैंटियागो के लिए कुछ ज़्यादा हो गई थी। वह बहुत डर गया था कि आगे क्या होगा। पहले दिन के ख़त्म होने पर सैंटियागो ने अल्केमिस्ट से कहा कि उसे हवा बनना नहीं आता। इस पर अल्केमिस्ट ने जवाब दिया कि वह उसकी प्रॉब्लम है क्योंकि उसे तो ये जादू आता है। दूसरे दिन वह लड़का दिन भर एक माउंटेन के ऊपर बैठा रहा और डेजर्ट से बातें करता रहा और आखिर में उसने ऊपर वाले की हेल्प से खुद को हवा में बदल दिया। सब हैरान रह गए और सैंटियागो सच जीत गया। उसे और अल्केमिस्ट को छोड़ दिया गया। चलते चलते वो लोग एक मोनास्ट्री पहुंचे। अल्केमिस्ट ने उसे एक रास्ता दिखाया जो गोल्ड में टर्न हो सकता था। दोनों वहां से अलग हो गए। अल्केमिस्ट वापस ओएसिस में लौट गया और सैंटियागो खजाने की तलाश में आगे चलता रहा। वह अपने दिल की सुन रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। फाइनली वह पिरामिड तक पहुंच ही गया। अपनी मंजिल देखकर वह रो पड़ा और जहां पर उसके आंसू गिरे वहां उसे एक बिटल दिखा जो कि उस इलाके में गोल्ड का सिंबल माना जाता था। उसे ये एक और ओमेन लगा और उसने वहां पर खोदना शुरू कर दिया। उसने काफ़ी गहरे तक खोदा मगर कुछ नहीं निकला। तभी उसके पास कुछ लोग आए। उन्होंने सैंटियागो का वह सारा गोल्ड छीन लिया जो उसे अल्केमिस्ट ने पार्टिंग गिफ्ट के तौर पर दिया था। उन्होंने सैंटियागो की खूब पिटाई की और उसे गहरा खोदने के लिए बोला। जब लड़के ने उन्हें बताया कि उसने ड्रीम में यह खजाना गड़ा हुआ देखा था तो उन लोगों को यहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि सपने कभी सच नहीं होते। जाते जाते उनके चीफ ने उससे कहा कि उसे भी एक ड्रीम देखा था कि स्पेन के एक चर्च के अंदर खजाना छुपा है जहां एक टूटे हुए कमरे में साइकमोर का पेड़ उगा है। ये बोलकर वह चीफ और उसके साथ ही वहां से चले गए। लड़का खुशी से हंसने लगा क्योंकि ये वही जगह थी जहां उसे इजिप्ट के खजाने का सपना आया था। तो वाकई में कोई खजाना था लेकिन उसे पाने का रास्ता इतना लंबा था। उसे पहले डेजर्ट में पिरामिड तक पहुंचना था, फिर किसी और के थ्रू उसके बारे में जानना था। अगर उसने अपनी डेस्टिनी फॉलो नहीं की होती तो शायद उसे कभी भी उस खजाने का नहीं पता चल पाता जो उसके अपने ही देश में छुपा था। सैंटियागो चर्च में गया और खजाने की खोद निकाला। फिर वह उस जिप्सी औरत के पास गया जिसे उसने 1/10 का प्रॉमिस किया था। उसके बाद उसे हवा में वह खुशबू महसूस हुई जो उसे बड़े अच्छे से याद थी और जो अभी उसके होठों पर एक याद बनकर बैठी थी। यह खुशबू थी फतिमा की। उसने प्यार को बड़ी जोर से आवाज़ दी और कहा, मैं आ रहा हूँ फतिमा। तो दोस्तों, आपको आज की यह समरी द अल्केमिस्ट बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। और आपको अपनी ज़िंदगी में भी हमेशा अपनी डेस्टिनी को फॉलो करना चाहिए। और अगर आपको ये बुक पसंद आई है तो मुझे मैं कहना चाहूँगा कि आपको ये पूरी बुक पढ़नी चाहिए। और शुक्रिया, धन्यवाद और मिलते हैं
किसी नए दिन किसी नई बुक की समरी के साथ।